नमस्कार किसान भाइयों, शनि कृपा एग्रो चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज अपन आए हैं प्लॉट नंबर E17 MIDC बारामती में, जिसके आज अपन किसान भाई के लिए एक नया मशीन लाए हैं कि जो कि बहुत सा अच्छा मशीन है, जिसमें कि अपन जब प्रॉब्लम आता है, जब इसका खेती का धान निकालने का वक्त आता है तो मजदूर मिलते नहीं, तो उसके लिए अपन एक सोल्यूशन लाए हैं कि बहुत सा अच्छा मशीन है, जो कि आज अपन जानेंगे हमारे राजपूत साहब के पास है कि हमारे टेक्नीशियन कि जिनसे कि ये क्या मशीन है और इसके कैसे चलाने के और बाकी। नमस्कार राजपूत साहब। जी सर नमस्कार। हमारा हमारे किसान भाई के लिए ज़रा थोड़ा सा मशीन के बारे में थोड़ा सा कर दीजिए कि क्या क्या कैसा मशीन है, कैसा ऑपरेशन है, इसका जरा थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें 5 HP का ग्रीव्स का इंजन लगा हुआ है, जो इसका डीजल टैंक की क्षमता 5 लीटर की है और एक घंटे का इसका एवरेज है 700 ml का। एक घंटे आप चलाओगे 700 ml डीजल की खपत है इसमें और अच्छे से आपका काम निकाल के देगा ये। और इसके साथ में प्लस में इसको अपन 4 बोल्ट निकाल के इसको पानी का निकालने के काम में भी इस इंजन को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका RPM भी अच्छा है ना? इसका RPM 3600 RPM का है। 3600 RPM का ग्रीव्स का है, मतलब इसका एक साल का वारंटी है, तो इसके किसान भाइयों के लिए अच्छा है मशीन। अच्छा है। और उसके साथ में एयर कूल्ड भी है। क्या उससे क्या होता है थोड़ा सा? ये क्या है कि जैसे वाटर कूल्ड रहते तो उनमें क्या है, बार बार पानी डालना पड़ता है, बराबर पानी डालने की समस्या नहीं। ये एयर कूल्ड है, ऑटोमेटिक कूल होता रहता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या है, कैसा इसका एयर क्लीनर, कैसा है ये? इसका एयर क्लीनर है। हाँ? इसको साफ करते रहना चाहिए। इसमें ऑयल डलता है 100 से 150 ml। इसको ऐसे निकालते हैं, इसमें ये ऑयल डला हुआ है, इसमें जो भी डस्ट रहता सब ऑयल में रह जाता है, बराबर इंजन को साफ हवा मिलती है, बराबर इसको साफ करते रहना। अगर ऑयल इसका ज्यादा हार्ड हो जाए, मतलब ज्यादा डस्टबिन में हो जाए, तो उसको साफ करते रहना है। अच्छा, फिर मतलब ये रेगुलर अपना क्लीन करते रहने का इसको, तो इंजन अपना साफ चलता रहेगा, धुआं वगैरह कुछ नहीं देगा। ये ऑयल चेकिंग के लिए ये दिया है क्या इसमें? ये ऑयल चेकिंग करो वाले। तो इसमें तो ऑयल चेकिंग अपन कर सकते हैं इसको, मतलब कोई भी किसान भाई खोल के इसे देखना, अगर इधर ये इसका लेवल है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग तक ऑयल रहना चाहिए, बराबर है, यहाँ से कम हुआ तो इसका ऑयल इसमें डालना पड़ेगा, और ऑयल डालने के लिए पूरा ऑयल निकालना पड़ेगा पहले, बराबर है। और ये मतलब ऑयल अपन रेगुलर चेक करते रहने का, रेगुलर चेक करें, यहाँ से स्टार्ट होता है ना अपन? हाँ, इसको ये जो बाद में दिखाएंगे अपन किसान भाई के कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग अपन लास्ट। हाँ, ये कितना लीटर का टंकी है सर जी? 5 लीटर का है। हाँ हाँ, 5 लीटर का टंकी है, तो जिसमें पेट्रोल डीजल में ये चलता है, ये अपना डीजल। हाँ, 3 वेरियंट आता है ना अपना इसमें, एक पेट्रोल में आता है, एक डीजल में आता है, जो 2FD मॉडल आता है वो डीजल में आता है ना, और 2 बेल्ट कराता है, ये 3FD मॉडल है। 3FD है। हाँ, ये टॉप मॉडल है। तो इसमें ये क्या दिया है सर, इसमें जरा बताओ हमारे किसान भाई के, जरा ये क्लच है। ये क्लच असेंबली का, ये समझो इधर खींच लिया तो आपका ये राइट साइड टर्न हो जाएगा 90 डिग्री में, आपका ऑटोमेटिकली वो रिपर टर्न हो जाएगा, और वो समझो लेफ्ट साइड का आपने क्लच दबाया तो आपका ये लेफ्ट साइड में टर्न ले लेगा। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा ये लीवर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। लीवर का ये है कि ये है इसका गियर, मेन गियर। हाँ हाँ, ये गियर लगाया तो मैंने अपने, इससे क्या होता है मशीन आगे फॉरवर्ड आगे को चलेगी। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे ही मैंने ये गियर निकाल दिया, रीपर नहीं चलेगा, सिर्फ मशीन चलेगी, मशीन ही चलेगा इससे। और ये दबाया तो जैसे अपने को फील्ड पे लेके जाना, तो इससे अपन लेके जाएंगे, बराबर है। और अगर इसको अपन ने दबाया तो इससे क्या होगा कि ये मशीन भी चलेगा साथ में, रिपर भी चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा, दोनों गियर साथ में लग रहे हैं, और वैसे ही इससे निकल जाएंगे दोनों साथ में। ठीक है, और वैसे ही ये गियर अभी मैंने आगे लगाया तो फॉरवर्ड मशीन चल रहा है आगे, बराबर है। हाँ, अभी न्यूट्रन हो गए, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा मशीन रिवर्स आएगा। हाँ, मतलब रिवर्स भी आता है, रिवर्स भी आता है, इसके ऊपर आप फॉरवर्ड भी करेंगे, इधर से आप पीछे भी चाहिए तो रिवर्स भी कर सकते, मतलब दोनों फंक्शन इसके ऊपर हो जाएगा, ये फिर अच्छा फंक्शन है मतलब किसान भाई लिखे। और ये एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है इसका, ऐसा है कि हाथ के पास में ही दिया हुआ है, बराबर है, इसको अपन जैसा अपना स्पीड है अपन चल सकते हैं, उस हिसाब से अपन एडजस्टेबल इसको कर सकते हैं, बराबर है, बहुत अच्छा से है। और ये क्या स्टॉपर है क्या, इसमें क्या लगा है? ये स्टॉपर वायर है, मतलब मशीन जब ये करते हैं तो बंद करने का, तो ये स्टॉपर लगाने का, ये इसको पीछे खींचते तो ऐसे नहीं रखने का, ऐसे नहीं रखने का, इसको अंदर कर देने का, कभी कभी स्टार्ट नहीं होता ऐसे, अगर ये अटक जाता है तो इसको अंदर दबाते, बराबर दबा के रहने का। ठीक है, ये इसके बारे में, हैंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे किसान भाई के लिए दीजिए सर जी। सर इसका हैंडल का भी बता दूं कि ये भी एडजस्टेबल है,
ये क्या है कि जैसे किसी की कम हाइट है, किसी की ज्यादा हाइट है, तो ये किसान अपने हिसाब से एडजस्ट कर, मतलब यहाँ ये नट दिए हैं, इसको खोल के आप जितना हाइट चाहिए, समझो कम चाहिए ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से जितना ये जो नट है 13 नंबर के, इनको लूज करना है चारों नट को। और ये यहाँ पे ये जो दिख रही है पट्टी, ये पट्टी, इसको अगर अपने को ऊपर करना है तो इसको ये इस होल में डाल देंगे, बराबर है, ठीक है। अगर अपने को होल छोटा करना, नीचे करना है, तो इसमें डाल देंगे। हाँ बराबर, ये एडजस्टेबल है, अच्छा है। अब थोड़ा सा ये क्लच असेंबली जो ये यहाँ से ऑपरेट होकर टायर के पास गया है, देखिए ये, हाँ ये कैसे ऑपरेट, क्लच कैसे ऑपरेट होता है आपका, ये देखिए, ये अच्छा सा क्लच ऑपरेट हो रहा है, नाइस फंक्शन है इसमें। और ये वो साइड का दिखाओ, लेफ्ट साइड का, इनमें ऑयलिंग बहुत जरूरी है सर। हाँ, इसमें रेगुलर ऑयल करना पड़ता है, अगर दिन में चलाते हो तो 2-3 बार ऑयलिंग जरूरी, क्योंकि ये बहुत इजी चलेगा और आपको फटाफट मूव करता है ये बिल्कुल। सर इंजन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर इंजन ऐसा है कि इसमें 1 लीटर ऑयल लगता है, 20W40, मतलब 20-40 नंबर का 1 लीटर ऑयल इसको डालना यहाँ से पड़ेगा अपने को, इसको इसको खोल के ऑयल यहाँ से डल जाएगा। और इसका ड्रोन प्लग है, वो नीचे मैं बता दूंगा, ये आप थोड़ा कैमरा इधर करिए, यहाँ से यहाँ पे ड्रोन प्लग दिया हुआ है, इसमें 17-18 का पाना लगेगा, यहाँ से ऑयल निकल जाएगा इसका। और उसके बाद अगर ठंड, जैसे ज़्यादा ठंड गिरती, कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता, परेशानी आती है, तो ये प्लग दिया हुआ है, ये दिख रहा है अपने को, बराबर है, इसमें अपने को थोड़ा सा पेट्रोल डालना है अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो। और आपको ठंड के सीजन जब ऑयल जम जाता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, थोड़ा पेट्रोल डालना है, फिर रस्से मारना, इंजन फटाक से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये बेल्ट के बारे में थोड़ा सा असेंबली का हमको बताओ हमारे किसान भाई की, ये कैसे असेंबली है, क्या है ये? सर बेल्ट का ऐसा है कि जैसे ये मेन बेल्ट हो गया इसका, जो ये इधर वाला A51 करके बेल्ट लगा हुआ है इसमें, ये इंजन से पूरी मशीन को पावर दे रहा है, बराबर है, ठीक है। अगर यही बेल्ट लूज रहेगा तो पूरा मशीन लूज चलेगा, लूज सेटिंग रहेगा। तो इसको ये बेल्ट अगर लूज नहीं रखना, कभी भी टाइट रखना, तो इसको टाइट करने के लिए टाइटनर दिया हुआ, ये आइडल पुली बोलते हैं इसको अपन, इस बोल्टों को लूज करके इसको पुली को ये रेलिंग पे जैसे एडजस्टेबल अपन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी तरह ये रिवर्स वाला बेल्ट है, अच्छा फंक्शन है, मतलब इसमें अच्छा ये फंक्शन, अच्छा आसान फंक्शन, कोई भी किसान भाई कर सकता है इसको, कर सकते अपने। सर हमारे किसान भाई को जरा गियर असेंबली के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये कैसा काम करता है, और एक कैसा थोड़ा सा जरा बताइए जरा। जी बिल्कुल सर, ये देखिए गियर, ये गियर असेंबली है इसका, इसको खोल के ही देख लीजिए आप, ये पूरा चेन ड्राइव है, इसमें 1 लीटर ऑयल लगता है 90 नंबर वाला, एक ही लीटर ऑयल डालना है, ऐसा नहीं है कि आपको पावर बॉक्स बड़ा दिख रहा है तो आपने पूरा भर दिया, बस नीचे वाला चेन ऑयल को टच होना चाहिए, बराबर है, मतलब इतना उसके इतना ही, हाँ अगर ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि इधर से ऑयल फेंकेगा बाहर, बराबर है, बाहर एक ही लीटर इसमें ऑयलिंग करना है, तो ठीक है, मतलब मशीन जब चालू करने से पहले अपने को ये ध्यान देने का, ये ध्यान देने का, वो इसमें ऑयल डालने का है। हाँ, और इसमें चेन ड्राइव है इसका, गियर बॉक्स कोई भी रिपेयर कर सकता, कोई भी किसान भाई घर पे खोल के इसको चेन डाल सकता आराम से। जरा किसान भाइयों के लिए हमारे ट्रांसमिशन के लिए जरा बताओ सर कि ये ट्रांसमिशन कैसा काम करता है, और टूल बॉक्स में हमारे क्या क्या आता है और कैसा रहता है, ये थोड़ा सा जरा बताओ। सर ये यहाँ पे ट्रांसमिशन बॉक्स लगा हुआ है, इसमें ग्रीस भरा रहता है, ठीक है ना, इसमें अपने को ग्रीस डालने के लिए ये यहाँ से खुलेगा, जो ये टूल बॉक्स है ना, इसी के अंदर से ये साथ में खुलेगा, बराबर है, इसके बोल्ट लगे हुए हैं। इसमें इंजन का एक सर्विसिंग होगा आपका 35 घंटे पे, उस समय आपको इसको खोल के देखना, अगर ग्रेस कम होता है तो इसमें डाल देना है, नहीं होता है तो नहीं डालना है, बराबर है। और इसको ये बेरिंग्स है उनको ऑयल रेगुलर करते रहने का, जितने भी लगे हैं ना सभी पुलियों में शाफ्ट में सभी को ऑयलिंग करना है, इसको भी करने, इसको रोलर बोलते हैं अपन, इसमें भी ऑयलिंग करना, इसको भी रोलर को ऑयलिंग करना, अगर पूरा दिन मशीन चलता है तो 2-3 बार अपने को ऑयलिंग इसमें करना है, तो मशीन इजी से ऑपरेट होगा, चलेगा सर। अब इसमें जैसे ये बेल्ट लगे, इसको अपन कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, इसमें ये 3FD मॉडल है, टॉप मॉडल है, तो इसमें 3 बेल्ट लगे, बराबर, अगर ये बेल्ट अभी इतना टाइट है, इतना ही रहना चाहिए, बराबर है, कभी ये चलते हुए लूज हो जाता है, तो इसको टाइट करने के लिए अपने को ये बोल्ट को लूज करना है, बराबर है, ठीक है, उसके बाद में इनको टाइट करना बराबरी से, इसके 4 अटे चढ़ाए, 4 इसके चढ़ाने हैं, तो ये बेल्ट, ये पुली आगे धकेगा, ये बेल्ट आपका टाइट हो जाएगा, सेम तीनों में एक जैसी सेटिंग है, बराबर है।
तीनों में एक जैसे सेटिंग, मतलब तीनों में एक जैसा सेटिंग, हाँ, करने का है, ऐसा ही बेल्ट का सेटिंग है। और आप कुछ बताने वाले? इसमें ऐसा है कि एक ये अगर अपन ने एक ही को टाइट कर दिया ना तो ये पुली टेढ़ा हो जाएगा, बेल्ट तेल से चलेगा फिर, बराबर वो मतलब उसमें समस्या आ सकती है, बेल्ट उतर भी सकता है फिर, तो बराबर इसे टाइट करें। बराबर है। इसके अलावा ये इसमें चेन दी हुई, हाँ, चेन, हाँ, बराबर चेन में भी ऑयलिंग करना है साथ में, और इसमें ये चेन टाइटनर भी दिया हुआ है, बराबर है। ये बोल्ट को लूज करना है अपने को, अगर चेन टाइट करना है तो इसको दबा के टाइट कर देने का है, बराबर है, जैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको टाइट कर देने का, बराबर है। ओके चलेगा, थैंक यू। नमस्ते, हमारे किसान भाई के लिए जरा बताओ कि ये कैसा चलता है, ये रिपर का मतलब चौड़ाई कितना है, कितना काट देता है, ये थोड़ा सा हमारे किसान भाई के लिए बताओ सर जी। सर चौड़ाई का ऐसा है कि चौड़ाई इसके 4.5 फीट की है, और जो कटिंग करता है वो 4 फीट की करता है, 4 फीट का एरिया कटिंग करके लेके जाता है। इसमें 17 ब्लेड लगी हुई है आगे, जो रिपीट के ऊपर, हाँ, ये यहाँ दी है ना, ये 17 ब्लेड, ये 17 ब्लेड है रिपीट के ऊपर ठुकी हुई है। और बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कि ये पत्थर में टूट फूट हो जाती है, तो पत्थर के लिए मैं सर आपको बता दूँ कि इसमें अगर कोई पत्थर आता है, अगर पत्थर फंस गया इसमें, तो अपनी मशीन पूरी बेल्ट ड्राइव है, बराबर है, तो वो बेल्ट स्लिप हो जाएगा, आपकी ब्लेड नहीं टूटेगी, बराबर है, मतलब वो एडवांटेज रहेगा, मतलब वो एडवांटेज रहेगा, नुकसान नहीं होगा, बहुत सारी मशीन ब्लेड भी डैमेज नहीं होगा, ये फायदा है, बहुत ये फायदा है ये इसमें, क्योंकि ये बहुत सारी मशीन जो आती है वो चेन ड्राइव रहती है, उसमें ब्लेड टूटती है, चेन टूट जाती है। ये स्प्रिंग क्या काम करता है? ये स्प्रिंग सर ये काम करता है कि जो कोई सा भी आप फसल काट रहे हो, स्टार व्हील लाके इसको कन्वेयर बेल्ट को पकड़ाएगा, बराबर। अब ये यहाँ आके फ्री हो गए तो ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ गिरने नहीं देगा आगे, ये इसको पकड़ा देगा, ऐसे ये उधर कन्वेयर ड्राइव कर देगा, कन्वेयर ड्राइव करेगा। और ये क्या है सर? ये स्टार वाला सर स्टार व्हील है, उससे क्या होता है, ये स्टार व्हील ये फसल को यहाँ से ले जाके इसको देता है सर, बराबर। और इसमें एक भी बेयरिंग नहीं है, ना कोई ऑयल करना, ना कुछ नहीं करना, बस इसका ऐसा है कि ये अगर टाइट हो जाता है तो इसको खोल के अपने को साफ करना, साफ करेंगे, इतना ही, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसमें। और ये ब्लेड जो है सभी में ऑयलिंग करना है पर अपने, बराबर है, रेगुलर, हाँ। और ये जो इसको अपन डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर, हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, बताओ नीचे की जानकारी हो जाएगी। ये डिवाइडर है, ये जो दो है ये एक 2 बोल्ट पे जो लगा हुआ है इसको डिवाइडर बोलते हैं, और ये फिंगर है, जैसे ब्लेड कभी अपने को बदलनी है तो 2 बोल्ट खोलेंगे एक डिवाइडर अलग हो गया, बराबर, फिर 2 बोल्ट अपन ने खोले ये फिंगर अलग हो गया, ये इसको दाब पत्ती बोलते हैं, मतलब प्रेशर प्लेट, बराबर है, ठीक है ना, ये अपने ब्लेड के सेट को दबा के रखती है, इसका ध्यान रखे कभी भी खोले तो ये यहीं पे लगेगा, बराबर है, ठीक है ना। तो ये ऐसे खोलते खोलते अपने को सभी ले आना है, ये पूरा ये जो सेट है पूरा बाहर आ जाएगा, बराबर है, ठीक है, आसानी से अपन ब्लेड चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है जो उधर की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, जो कनेक्टिंग रंग पूरे ब्लेड को चलाता है सर। ये कनेक्टिंग रॉड के विषय में मैं बता रहा था, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये देखो ऐसे मूव करता है, बराबर है, ऐसे ये ब्लेड को चलाता है पूरा, तो जब ब्लेड अपने को बाहर निकालना है तो ये इसमें डबल पिन लगा हुआ है, ये नीचे बोल्ट दिया हुआ है और इसी में बूश लगा हुआ है, इस पे नीचे कुछ रख के इस प्लेट को अपने को मारना है तो ये बाहर आ जाएगा बूश, बराबर, और पूरा राड अपना बाहर हो जाएगा, वो ब्लेड अपन आसानी से बदल सकते हैं उसमें, बराबर है। और जो टायर है ये ट्यूब वाले हैं, वैसे ये सब 4 व्हील ट्रैक्टर में लगते हैं, ये पंचर होने की समस्या बहुत ही कम रहती है इनकी, बराबर है। तो राजपूत साहब हमको जरा ये मशीन चालू करके दिखाओ कि ये कैसे ऑपरेटिंग होगा, कैसे क्या चलेगी, जरा थोड़ा सा हमको ऑपरेटिंग करके दिखाओ जी। देखिए सर, चालू करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना स्टॉपर वायर अंदर हो, खींचा स्टॉपर वायर अंदर होना चाहिए, खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, टैंक में डीजल ठीक होना चाहिए, बराबर। और ये जो इसका व्हील है देखिए, इस पे एरो दिया हुआ है, बराबर, ये एरो दिया है, इस पे रस्सी, ये जो रस्सी है, हाँ हाँ, मैं दिखाई देता हूँ आपको, अच्छा रहेगा, ये रस्सी इस तरह से ही लगाना है ये, ताकि इंजन सीधा ही घूमे, ये बराबर। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उल्टा लगा देते हैं तो इंजन उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में ऑयल पूरा बाहर कर देगा, बराबर है। तो इसको सीधा ही अपन ऐसे लगाएं, बराबर है। और ये इसको बोलते हैं चोक, अपन चोक, हाँ, जैसे अभी ये उठता नहीं है, ये अपन फिर इसको, ये जो इसका व्हील है इसको घुमाया, ये उठ गया, और ये एक्सीलेटर, इसको थोड़ा बढ़ा के ये रस्सी को ऐसा लपेट के अब देखने का है, इसको मैं जोर से एक झटका मारूंगा स्टार्ट हो जाएगा, मशीन देख लेना न्यूटन है पूरा, नहीं तो स्टार्ट होते ही आगे चल देगा, ये देखिए स्टार्ट हो गया,
ये एक्सीलेटर। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा इसको आगे पीछे करके, रिवर्स फॉरवर्ड सब करके। बराबर देखिए, ये गियर का आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब ये देखिए, इसको मैं, ये फॉरवर्ड हो गया, इससे मशीन चालू हो गई मेरी। बराबर ठीक है। अब मैं अगर ये गियर लगाता हूँ तो इससे दोनों एक साथ चलेंगे, आपकी रीपर भी चलेगी और मशीन भी चलेगी। ये दोनों इससे एक साथ, ये दोनों एक साथ, आगे कई सपोर्ट चाहिए। ये इसको मोड़ने के लिए ये देखिए, 90 डिग्री मोड़ने का। हाँ, अगर मेरे को इधर इसको घुमाने का है तो मैं ये दबाऊंगा, ठीक है। अब अगर मेरे को मशीन रिवर्स लेना है तो मैं इसको दबाऊंगा। बराबर, ये रिवर्स आएगी। हाँ, ये मशीन रिवर्स आएगी इसको दबाने पर। ये बहुत अच्छा फंक्शन। हाँ, बहुत अच्छा फंक्शन और सब आसान फंक्शन है, कोई भी किसान भाई है, क्योंकि इसमें सब खुले। और अगर मेरे को अब मशीन को बंद करना है तो मैं ये इसको बंद करूँगा, इसको खींचूँगा। ये स्टॉपर वाइस से बंद हो गई। बराबर। और मशीन में ऐसा कोई पार्ट्स नहीं दिया है कि उसको कवर से ढक के लगाया गया है, सब आग के सामने है। बराबर। अगर कोई बेल्ट लूज भी होता तो किसान भाई को नजर आ जाएगा कि ये बेल्ट लूज हुआ है मेरा। बराबर है, कोई खोला धरी नहीं है, बस बेल्ट उतारो, बहुत आसानी का काम है। आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो घर पर। तो किसान भाइयों, अपन ने जान लिया कि ये मशीन कैसा काम कर रहा है। राजपूत साहब ने बहुत से अच्छे से अपने को बता दिया कि ये मशीन कैसा काम कर रहा है, कैसा वर्किंग कर रहा है, और बहुत सी मशीन अच्छी है। ये मशीन मंगाने के लिए आप नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मोबाइल नंबर मिलेगा उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये मशीन ऑल ओवर इंडिया सप्लाई की जाएगी आपको, पूरा GSTN नंबर, शनि कृपा इंडस्ट्रीज के सब जो नाम है, जो ये है कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको दिए जाएंगे। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। नमस्ते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, शनि कृपा एग्रो चैनल को। धन्यवाद। धन्यवाद।